सब्सक्राइब कीजिए मैड अबाउट एड चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। हेलो गाइस, मेरा नाम है राजू और मैड अबाउट एड में आपका स्वागत है। तो गाइस, इंस्टाग्राम पे सभी ट्रेंडिंग पे फोटो एडिट करना चाहता है, सभी चाहता है कि मेरा जो फोटो है वो ट्रेंडिंग पे आए। तो ऐसे में मैं ट्रेंडिंग पिक्चर एडिट करने बताऊंगा आपको कैसे एडिट करते हैं। तो सबसे पहले आप जिस पिक्चर के ऊपर एडिट करना चाहते हो उस पिक्चर को अपलोड कर लें, ठीक है। तो मैं अपने जो पिक्चर्स हैं उसको मैं दिखा देता हूँ और जैसे कि मैं इस पिक्चर के ऊपर एडिट करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को कट कर लेंगे, ठीक। इसको हम पहले क्रॉप कर लेते हैं इस तरीके से और यहाँ से जाएंगे कट आउट टू, ठीक है। तो अब हम इस पिक्चर को जो है, आप तो कट करना जानते ही होंगे कैसे कट करते हैं। जल्दी जल्दी से कट कर लेता हूँ कि आपका जो समय है वो ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो आप देख सकते हो हमने पिक्चर को कट कर लिया है, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से। और इसको हम यहाँ से सेव कर लेंगे। तो इसको सेव करने के बाद हम जाएंगे यहाँ से ड्रॉ टूल में, ठीक है। और ड्रॉ टूल में जाने के बाद इसको यहाँ से कर लेंगे सेव। ये फोटो हमारा जो है सेव हो चुका है, ठीक। अब हमें इसको कट कर देनी है। कट करने के बाद यहाँ से भी बैक और हम अब जाना है पिक कैनवास में, ठीक है। और जाने के बाद इस साइज को आपको सिलेक्ट करना है 1280x800, 16:10 का आपको साइज सिलेक्ट करना है और यहाँ से डन कर देनी है। और यहाँ से क्लिक करके आपको एडिट इमेज पर जाना है और हम इसको लैंडस्केप कर लेते हैं और यहाँ से रोटेट करके इसको ऐसे कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ से एक बैकग्राउंड की ज़रूरत होगी, ठीक है। बैकग्राउंड को हम ले लेते हैं यहाँ से और इसको अपने पिक्चर में सही तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक। और अगर आप चाहो तो इस पिक्चर पे भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस पर थोड़ा सा सिर्फ ब्लर डाल देता हूँ जाएंगे इधर और यहाँ से कलर में जाएंगे और यहाँ से सैचुरेशन को थोड़ी सी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमें जाना है यहाँ से ड्रॉ टूल में, ठीक है। अब यहाँ से फोटो सिलेक्ट करनी है अपना जो हमने कट करके रखा था, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है ना। ओके करने के बाद आपको जाना है यहाँ से ट्रांसफॉर्म और इसको इसी तरह से अपने बैकग्राउंड के मुताबिक सेट कर लेनी है, ठीक है। और इस लेयर को हम कॉपी बना लेंगे, ऊपर पर लेयर को हाइड कर देंगे और नीचे वाले लेयर को हम इरेज कर देंगे। और इरेज करने के लिए हम सॉफ्ट कर लेंगे लगभग 15 पिक्सल। करने के बाद आपको जो है अपने बॉडी के पार्ट को रखना है, बाकी जो हिस्सा है उसको आपको डिलीट करना है। तो मैं जल्दी से जल्दी इसको रखने के बाद इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके का इरेज करना है। और अब हमें काम करनी ऊपर वाले लेयर में, ठीक है। तो ऊपर वाले लेयर को हम ऑन कर देते हैं और अब ऊपर वाले लेयर में हमें काम करनी है, तो हम ऊपर वाले में क्लिक करेंगे, ठीक। और यहाँ से और एक तो हम एम्प्टी लेयर ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद हमें यहाँ से जाना है ब्रश वाले टूल में, ठीक। और यहाँ से काला चूज़ करनी है आपको वाइट, ठीक है। तो चूज़ करने के बाद अब हमें ब्रश सिलेक्ट करना है, तो आप अपने हिसाब से ब्रश सिलेक्ट कर सकते हो इस ब्रश को, ठीक है। इस वाले ब्रश को आप याद रखना है, इस वाले ब्रश को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से जाकर आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी है लाइक जैसे, और यहाँ से हो गया। अब हमें सेट कर देनी है, ठीक। और ब्रश के जो साइड है वो आपको 13
पिक्सल रखना है, ठीक है। और अब आपको जो टी शर्ट के जो एजेस हैं, सिंपली आपको वहाँ वहाँ ऐसे लाइन बना देनी है, ठीक है। तो मैं बना रहा हूँ, आप देखते जाओ एक एक करके, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगी। और याद रखना, बहुत ही मतलब ध्यान से करना, ठीक है, कुछ भी स्टेप आप मिस मत करना। और प्लीज़ गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना, अपने फैमिली के साथ शेयर करना, ठीक है ना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी मोटिवेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। मेरा जो फ़ोन है ना, वो बहुत ही पुराना हो चुका है, तो ये फ़ोन थोड़ा सा हैंग कर रहा है, इसलिए थोड़ा स्लो हूँ मैं, लेकिन आप तो मेरे से भी फास्ट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से ड्रॉप, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का करने के बाद आप देख रहे हो अब हमारा जो फोटो है वो धीरे धीरे लुक में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इस बॉर्डर को क्लिक कर लेते हैं। जितने भी बॉर्डर या फिर आपके टी शर्ट में जितने भी एजेस हैं, सभी को फिल कर लीजिए, ठीक है, तो ये देखने में और भी अच्छा लगेगा। आप डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप वो कलर सिलेक्ट कर सकते हो वो आप। और ये थोड़ा सा है, और इधर है, आप इसको भी बना सकते हो तो और भी अच्छा लगेगा आपका फोटो। और इतना कंप्लीट करने के बाद जाना है ऊपर वाले लेयर में और इसको आपको हाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब देख सकते हो आपका जो पिक्चर है वो लगभग रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इस वाले पिक्चर को आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। सो अब आपका जो फोटो है वो लगभग रेडी हो चुका है ना। तो आप इसको यहाँ से डन कर दो सिंपली, तो आपका फोटो रेडी हो चुका है। अब आपको थोड़ी सी अगर आप चाहो तो एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ ताकि ये दिखने में और भी लुकिंग लगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्राइटनेस लूँगा, लगभग इतना और थोड़ा सा मैं स्किन को स्मूथ करूँगा, ठीक है। तो स्किन स्मूथ मैं ब्लर टूल से करता हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है ब्लर टूल से कैसे स्किन को स्मूथ करते हैं, तो आप वो वीडियो अगर अभी तक नहीं देखे तो फिर वो वीडियो देखिए, क्योंकि ब्लर टूल से बहुत ही मतलब अच्छी तरह से स्किन जो है स्मूथ होता है, ठीक है। पहले हम भी यूज़ करते थे वो स्किन स्मूथ वाला टूल, लेकिन ब्लर टूल से और भी ज़्यादा स्किन जो है स्मूथ होता है, ठीक है ना? मतलब जो पिंपल्स होते हैं स्किन में और जितने भी दाग धब्बे हैं ना, सभी हट जाएंगे ब्लर टूल से इजीली, तो ये देखने में और भी अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग चाहो तो ब्लर टूल से भी आप कर सकते हो, बहुत ही इजी है। यहाँ से कंप्लीट हो गया है हमारा, ठीक है। तो इतना करने के बाद मैं थोड़ा सा अपने हेल्पर भी ले लेता हूँ कुछ ऐसे, और साथ पर थोड़ा सा हमारा जो फोटो है वो लगभग रेडी हो चुका है, ठीक। लाइक दिस। और अगर आप लोग चाहो तो हेयर स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, या फिर अपनी जो फ़ोटो है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव कर सकते हो, लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूँ या फिर